हाय एवरीवन, सो आज की वीडियो में मैं आपको झुमका मेकिंग ट्यूटोरियल बताने वाली हूँ एंड मैं आपको पूरा प्रोसीजर दिखाऊंगी। सो फॉर माय टेराकोटा ज्वेलरी आई यूज दिस रेड क्ले एंड आज भी मैं इसी का यूज़ करने वाली हूँ एंड ये क्ले काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होती है एंड फॉर द डोम शेप जो कि झुमका की होती है उसके लिए मैं ये वाला मोल्ड यूज़ कर रही हूँ। इसके अंदर काफ़ी सारे अलग अलग साइजेज अवेलेबल है बट जो कन्वीनियंट होता है जो मैं मोस्टली यूज़ करती हूँ वो ये वाले दो साइजेज है। तो आज मैं ये वाला साइज़ बनाने वाली हूँ। सबसे पहले आपको ऑयल से इसको ग्रीस कर लेना ताकि मिट्टी इसके ऊपर चिपके ना एंड ये डीमोल्ड काफी इजीली हो जाए। देन इसके अंदर क्ले ऐड करनी है एंड उसका रिमूव करना है एक्सेस पार्ट ऊपर का। सो रिमूव करने के बाद आपको ऊपर से एकदम अच्छे से इसको स्मूथ कर लेना है एंड देन इसको डीमोल्ड कर लेना है। ये बहुत ही इजीली डीमोल्ड हो जाएगी क्योंकि इसके अंदर ऑयल लगा हुआ है। सो देन इसके बाद स्टेप होता है कि इसके अंदर की जो एक्स्ट्रा मिट्टी है आपको उसको रिमूव करना है ताकि ये एक झुमका की शेप ले ले। तो इस टाइप का यूज करती हूँ मैं एक टूल जिससे हम इसके अंदर की एक्सेस क्ले हम एकदम अच्छे से रिमूव कर सके। सो इसको रिमूव करने से आपके झुमके का वेट भी काफ़ी कम हो जाएगा एंड ये क्ले रिमूव करने के बाद आप इसको वापस से मोल्ड के अंदर डालिए ताकि इसकी शेप वापस से वैसी ही हो जाए एकदम प्लेन। सो इससे आपकी जो शेप है वो वापस से वैसी ही हो जाएगी एंड उसके बाद जितने भी क्रैक्स अगर आपको लगे तो उसको बिल्कुल अच्छे से ऐसे टूल से आप प्लेन कर सकते हैं। सो हेयर आर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आर झुमका इज रेडी एंड ये कुछ इस टाइप का लगेगा, काफ़ी स्मूथ होगा एंड इट्स टाइम टू ऐड द डिज़ाइंस। आप जो भी आपको डिज़ाइन पसंद हो आप वो ऐड कर सकते हैं एंड मैं बेसिक सा एक डिज़ाइन इसके अंदर ऐड कर रही हूँ एंड इन टूल्स के साथ ही आप काम करें, ऐसा भी कुछ स्पेसिफिक नहीं है, आप कोई भी टूल्स यूज कर सकते हैं एंड इट टोटली डिपेंड ऑन योर क्रिएटिविटी कि आप कौन सा डिज़ाइन बनाइए। ऑल्सो जितने भी टूल्स एंड क्ले मैं यूज़ कर रही हूँ उन सबका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, सो यू कैन चेक इट आउट। एंड मैंने कुछ इस टाइप का डिज़ाइन बनाया है एंड ये काफ़ी सिंपल है। सो इफ़ यू विल रिक्रिएट दिस डिज़ाइन डू टैग मी ऑन इंस्टाग्राम। एंड जैसे आप ये डिज़ाइन बनाते हैं तो थोड़े से डोम शेप खराब हो जाती है तो डिज़ाइन ऐड करने के बाद भी आपको वापस से इसको मोल्ड के अंदर डालना है एंड थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो आपकी ये जो डोम शेप है वो वापस से बिल्कुल परफेक्टली बन जाएगी। एंड ये हमारे इयररिंग्स हो गए रेडी एंड नाउ इट्स टाइम टू ऐड द हुक्स। सो इस टाइप के आप बीड्स पहले से बना के रख सकते हैं एंड ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगते हैं, घुंघरू बीड्स कहते हैं इनको एंड इस टाइप की यूपिन्स भी बना सकते हैं। सो इसको एकदम ईजिली ये अटैच हो जाते हैं एंड ये बहुत ही सुंदर लुक देते हैं। सो इसी तरीके से सारे घुंघरू बीड्स हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे। सो बीड्स लगने के बाद कुछ इस टाइप का लुक लगेगा इसका एंड ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगते हैं। एंड इसके बाद हम इसका टॉप ऐड करेंगे। तो टॉप बनाने के लिए हम कोई भी शेप बना सकते हैं एंड मैं बना रही हूँ एक सर्कल शेप। ज़रूरी नहीं है कि आपको ये टॉप ऐड करना ही है, नॉर्मल इस टाइप के भी झुमके होते हैं बट मैं इस वाले झुमके के अंदर टॉप इसका ऐड कर रही हूँ। सो इसको इस तरीके से कुकी कटर से कट कर लेंगे एंड इसको भी प्लेन करके इसके अंदर भी सिमिलर टाइप का डिज़ाइन आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। सो कुछ इस टाइप से ये टॉपर्स हमारे रेडी हो गए हैं एंड अब हम इसको अटैच कर देंगे अपने झुमके से एंड अटैच करने के लिए भी हम यूपिन का ही यूज़ करेंगे। अच्छे से पहले इसके अंदर यूपिन अटैच करनी है एंड देन इस यूपिन के अंदर अटैच करके हमें ये झुमके से अटैच करना है। सो बस यही सिंपल सा एक प्रोसेस है हमारे झुमका बनाने के लिए एंड ये सूखने के बाद आप इसको बेक कर सकते हैं एंड उसके बाद आप पेंट करने के बाद इसके पीछे हुक लगा सकते हैं जिससे हम इसको वियर कर सकें। सो ये एक सिंपल सा ट्यूटोरियल था एंड दिस इज़ आर फाइनल झुमका डिज़ाइन। एंड आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपको कैसा लगा एंड इसी टाइप के मैंने काफ़ी सारे अलग अलग डिज़ाइन भी बना रखे हैं, सो यू कैन ऑल्सो चेक देम आउट। एंड या गाइज, दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय गाइज़।